हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री के चार्ट पेपर आपको कौन सा फिगर बनाना है। जैसे आपको चार्ट के ऊपर सबसे ऊपर अपना नाम लिखना होता है, उसके ऊपर कौन सा फिगर यानी कि उसके नीचे जो है कौन सा फिगर आप बनाए हैं उसके बारे में लिखना होता है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि बनाई गई है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। और सबसे नीचे जो है आपको समीकरण लिखना होता है छोटा, जैसे यहाँ पे मैं लिख के बताया हूँ। ये जो देख लिखते हैं, ये अब की बार का ही चार्ट पेपर है। यहाँ पे ये अभी जल्दी ही चेक हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। यानी कि जो भी चीज बना रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छी प्रकार से पढ़ के जाना है, और एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। यानी कि चार्ट पेपर से ही आपको एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन पूछेगा वह चार्ट पेपर से ही पूछता है। बाकी बाहर से क्वेश्चन बहुत ही कम चांस होते हैं पूछते हैं। जब आप चार्ट पेपर से सारे क्वेश्चन बता लेते हैं तो आप बहुत एक आध दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वरना छोड़ देते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन वह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ देते हैं, जैसे डाई एथिल ईथर का जो सूत्र बता दीजिए, एसीटोन का सूत्र बता दीजिए, या नमक का सूत्र बताओ, और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो फिगर मैं आपको चार्ट में दिखा रहा हूँ, यही फिगर आप वीडियो को रोक करके आप बना लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे क्या चीज़ें बनानी है ये क्वेश्चन मैं थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे कौन कौन सी यानी कि इसका कितने तापमान पर प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि कौन से यौगिक मिलाया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, कितने ताप पर, और कितना वायुमंडल दाब लग रहा है, उत्प्रेरक कौन सा लग रहा है, और इसमें जो उपकरण कौन कौन से लगे हैं, ये चीज़ आपको पढ़ के जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यही थी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब।